ये देख लो आप कितना खींचाव आ चुका है इसमें। इस तरीके से हमने ये जमा कर देनी है एक ही जगह, दूसरी साइड से टर्न करते हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो हमारा कितना खूबसूरत, ये देखो जी हमारा कैटलम रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सोन चैनल बेटी मुगना मस्कान फूड फ्यूजन। मैं शिमत यूसुफ सैद सलामत, अल्लाह ताला थे तो पेनिस जमानस में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं रमज़ान की एक स्पेशल रेसिपी ऐसे शेयर करना चाहती हूँ जिसको हम कहते हैं कैटलम, जो ऑलवेज हम मार्केट से लाते हैं। तो आज मैं आपको कैटलम घर पर बनाना सिखाऊंगी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा और रमज़ान में स्पेशली आपको ये रेसिपी बहुत काम आएगी आपकी। तो सबसे पहले हमने आटा लिया है हाफ के जी, ये मद ओट नमुत, तो तम पोस नून टेस्ट के मुताबिक त्रोजस तुम नून। साल्ट ऐड करने के बाद इसमें हम रिफाइंड ऑयल ऐड करते हैं। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करते हैं, हमने आटा नीट कर रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा आटा जो है थोड़ा सा चिपचिपापन इसमें होना चाहिए रिफाइंड ऑयल के साथ, ये आप देख सकते हो। पहले अच्छे से मिक्स करना है ये इंग्रेडिएंट्स, नमक ऑयल और आटा, ये आप देख सकते हो। ये देखो थोड़ा सा लगने लगा है, ये ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि इससे ना आटा काफ़ी मुलायम रहता है। तो अब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो आटा अच्छा सा डो रेडी कर लेते हैं हम, जिस तरीके से हम रोटी के लिए डो रेडी कर लेते हैं सेम वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा मुलायम होना चाहिए ये वाला डो। आज की जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ इसको अक्सर हम मार्केट से लाते हैं, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी घर पे बनाना। ये रमज़ान की इसकी स्पेशल रेसिपी है। आप ये आप देख सकते हो जो है अच्छी तरीके से नीड हो चुका है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हम ऑयल से करेंगे, अच्छी तरीके से ऑयल लगाएंगे, रखेंगे हम आधा घंटा। आधा घंटा हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ये जो अच्छी तरीके से मुलायम हो जाए और जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। आधा घंटा आप इसको रेस्ट देंगे, ज़रूर आधा घंटा दे देना है यहाँ पे, और आटा इस तरीके से अच्छी तरीके से नीड हो जाता है। तो इसको हम रेस्ट पे रखते हैं। अब हम इसको आधा घंटा रेस्ट पे छोड़ देते हैं, तो मिलते हैं आपको आधा घंटे के बाद। तो व्यूअर जब तक हमारा आटा रेडी हो जाता है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने घी लिया हुआ है, इसको हम ड्राई आटा लिया हुआ है हमने, खुश्क आटा इसमें डाल देते हैं। पहले डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल को, बिस्मिल्लाह। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हो चुका है रेडी। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और हम करते हैं तब तक नेक्स्ट प्रोसेस। अब हम चेक करते हैं अपने आटे को, ये लाते हैं हम आटा, चलो इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हो, वाओ ये देखो बहुत अच्छी तरीके से हमारा आटा जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसको बनाते हैं पेड़े। बिस्मिल्लाह, पेड़े हमने बड़े बड़े लेने हैं और यहाँ से हमने खुश्क आटा लिया है डस्टिंग के लिए, तो इसको हम डाल देते हैं बिस्मिल्लाह इसी में। ये हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं, ये थोड़े से हमने बना के रखे हैं, इनको भी हम थोड़ा टाइम दे देते हैं। अब हमने लिया है चकला बेलन, इस पर हम इनको बेल लेते हैं रोटी को। रोटी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जितनी आप रोटी बड़ी बनाओगे उतनी आपका कैटलम बड़ा बनेगा, इसलिए रोटी को बड़े साइज में रखना है हमने। रोटी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब हमने जो आटा घी और ऑयल का मिक्सचर रेडी किया था ये, अब हम इसको उठा के रोटी पे सेपरेट कर देते हैं इस तरीके से, और हर जगह लगना चाहिए ये, ये आप देख सकते हो हर जगह पे लगना चाहिए अच्छी तरीके से, हमने हर साइड पे हर कोने पे फैलाना है। आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाथ से ज़्यादा बेटर लगेगा। अब हमने ले लेनी एक नाइफ और इसको करने हैं कट पीसेस। बिस्मिल्लाह, पतले पतले स्लाइसेस में इसको काटना है। ये
अगर बीच में गैप भी आएगा कटेगा बीपीएस तो कोई इशू नहीं है। अब हमने करना है इसको सेकंड प्रोसेस। इस तरीके से हमने ये जमा कर देनी है एक ही जगह। इसमें खिंचाव होता है आप जानते हो सब। अब देख सकते हो इसमें एक खिंचाव सा आ गया है। हम एक ट्राई ले लेते हैं। इसी में हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमने इसको फिर से आराम से इस तरह खींच के आराम से फिर से एक पेड़ा बनाना है। बिस्मिल्लाह इस तरीके से ये आप देख सकते हो ऐसे हमने फिर से इसका एक पेड़ा बनाना है। ये बन गया हमारा पेड़ा, ये देख लो आप। अब रखते हैं इसको एक ट्राई पे और दूसरी रोटी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसको मैं इसी तरीके से हाथ से ही लगा लेती हूँ। बिस्मिल्लाह ये अब सेम वही वाला प्रोसेस यहाँ से हमने फोल्ड करना है। यहाँ से हम इसको आराम से भी यहाँ से भी हम फोल्ड करते हैं आराम आराम से। आप देख सकते हो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा हमने मेहनत करनी है, लेकिन हमारी बढ़िया सी चीज़ बनके तैयार हो जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी मेरी ये वीडियो, आज की ये रेसिपी। अगर पसंद आए हो तो शेयर करना, कमेंट करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। चैनल पे नए अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल पे भी प्रेस करना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। अब हमने उठाना है फिर से इस तरीके से, इसको खींचा लाना है हमने। ये आप देख सकते हो कितना खींचा हुआ चुका है इसमें, ये देख लो आप। अब हमको इसको फिर से इसी तरीके से फोल्ड करना है। बिस्मिल्लाह हमारा दूसरा पेड़ा भी बनके तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल, ये देख लो आप। ये हमारा दूसरा केटलम है, इसको भी हम ट्राई पे रखते हैं। तो ये देखो हमारे पेड़े सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम कहते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, उसके लिए हमने मड स्टोव में लगाई है लकड़ी। अब हम इसको आग जलाते हैं। बिस्मिल्लाह पहले हम आग जलाते हैं। बिस्मिल्लाह मड स्टोव पे बनाऊंगी आज मैं केटलम और आपको भी सिखाऊंगी कि मड स्टोव पे कैसे बनाते हैं हम केटलम, वो भी बहुत ही टेस्टी और खूबसूरत तरीके से। आग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इस पे रखते हैं पैन को और इसमें करते हैं हम ऑयल को ऐड। अब हम पैन ले लेते हैं, पैन को गर्म करते हैं, उसके बाद इसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करते हैं। आप सोयाबीन ऑयल कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो, सोयाबीन ऑयल भी, वेजिटेबल ऑयल भी, कोई भी ऑयल आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल, क्यों हम खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते हैं और इसको अच्छी तरीके से हम गर्म करने देते हैं। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम पेड़े को थोड़ा सा फैला लेते हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाह एक रोटी जैसी हमने बनानी है, बेलन के सिवा ही बनाएंगे हम हाथ से, हाथ पे फैलाएंगे। हम इस तरीके से फैला लेते हैं इसको हल्के से, आप देख सकते हो आराम से हमारा केटलम रेडी हो रहा है। यहाँ से हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है, ये देख लो गाइस, ये बन गया हमारा केटलम बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इफ्तार में इसको आप आराम से नमकीन चाय के साथ सर्व करेंगे, क्योंकि नमकीन चाय जो है हमारे हर घर में बनती है ना। ये देखो जी हमारा केटलम रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाह ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देख सकते हो आप। इसको अब हम देखते हैं टर्न। ये देखो जी हमारा केटलम इस साइड से फ्राई होता हुआ, इसको हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अब हम इसको इस साइड से भी टर्न करते हैं और दूसरी साइड से फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह
ये देख सकते हो आप कितना खूबसूरत, ये देखो कितना खूबसूरती से ये फ्राई हो रहा है और कितना खूबसूरत कैटलम हमारा बनके तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हो हमारा खूबसूरत कैटलम बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको प्लेट पे ट्रांसफ़र करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये ध्यान से हम दूसरा ऐड करते हैं, इसको भी हमने अच्छी तरीके से फैला लिया है। अब हम इसको ऐड करते हैं बिस्मिल्लाह। अब हम इसको बिस्मिल्लाह करके दूसरे साइड से टर्न करते हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो हमारा कितना खूबसूरत कैटलम बनके तैयार हो रहा है। इस तरीके से इसका हम ऑयल बीच में डाल देते हैं ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ये आप देख सकते हो हमारा कैटलम तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल के प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखो कितना खूबसूरत हमारे कैटलम बन के तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हो हमारे सारे कैटलम बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो, ये देखो, ये आप देख सकते हो कितनी क्रिस्पी, ये देखो और कितनी टेस्टी है। अब हम इनको करते हैं इफ्तार में सर्व। आई होप आप सबको भी पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलती है आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।